लोकसभा चुनाव का असर जहां आम जनता पर है, वहीं सबसे ज़्यादा मजदूरों पर भी है। और आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर मजदूरों का क्या मानना है। नमस्कार सर। हाँ जी सर, एक बात बताइए कि आप कितने समय से यहाँ चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनाव के लिए लेके वोट देंगे हम जी। हाँ, और ये हमारी मर्जी है हम किसे वोट दें। हमें देखना ये है, हम देश के नागरिक हैं और जिसने देश को आगे बढ़ाया है और जिसने देश का विकास किया है, बाहर देशों में हमारे देश की इज्जत है, हम ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप अंकल, आप बताइए कि आप कितने समय से चंडीगढ़ में हैं और आप अपने पीछे से कहाँ से हैं? यूपी से हैं। आपका नाम? प्यारेलाल। और आप इन चुनावों को किस तरह देखते हैं? राजनेता जो इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वे महंगाई कम कर पाए? क्या वे आम जनता को जो ज़रूरतें थी वो दे पाए? महंगाई तो बढ़ी रही है और दम पे दम बढ़ रही है जी। तो आपकी ज़रूरतें क्या है, मतलब आपको क्या क्या चाहिए जो नेता नहीं करता? कौन है, कोई नहीं करता है जरूरत पूरी तो। और अब नेता वोट मांगने को आ जाते हैं तो फिर जीत जाते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं। जो बड़े बड़े नोटों के पोंगे आते हैं वो पेटों में नेताओं के सब बन के लौटते हैं, इसलिए वो लड़ते हैं, वो अपना विकास के लिए ज्यादा परसेंट में। हैं कहाँ से? पीछे यूपी से। यूपी से। और यहाँ पे कितने समय से हैं? ऐसे ही मतलब 2-3 साल से ज़्यादा। और 2-3 साल में आपने क्या पाया है कि पहले क्या बचत होती थी और अब किस तरह की बचत होती है, और ये राजनेता लोग कितने वादे कर पाते हैं? सही करते हैं, बढ़िया करते हैं एकदम, काम कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया चल रहा है। चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहे हो, अगर आपके होम टाउन की बात करें? हाँ, वहाँ पे भी सही है। यहाँ के नेता जो मेरे यूपी के हैं वो नोटों पे फैलते हैं और गरीब आदमी को रोड पे लाते हैं, कटोरा पकड़ाते हैं, कुछ नहीं होता है। गरीब आदमी का सिस्टम ये है, जिसके पास धन है उसी का सब कुछ है। गरीब आदमी चाहे भूखे मरे चाहे कुछ मरे, नेता नगरी और जो पैसा आता खुद जेब में भर लेते हैं, और ना थाने से लगा के कोर्ट तक कोई सुनवाई नहीं होती है। गरीब आदमी की ज़मीन छीन ली जाएगी, लेकिन नेता अपना सोर्स मार के पुलिस को अपने कब्जे कर लेता है, और वो ऐसा ही है, ये मोदी की सरकार में ऐसा ही रहेगा। हैं ऊँच तो धन्यवाद, ऊँच तो मुझे देना है जिसको देना है। आप कह रहे हैं कि आप वोट डालेंगे, लेकिन आप अब सोच समझ कर वोट डालेंगे? हाँ, सोच समझ के डालेंगे। लेकिन अगर लेबर के तौर पर आप देखें कि आप अगर यहाँ पर हैं और इतने समय से आप एक मेहनत कर रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए क्या क्या काम होने चाहिए? क्या बचा, यहाँ जितना कमाओ उतना खा जाओ, क्या बचा? कोई महंगाई तो गरीब आदमी इतना परेशान है, कमाए जब खाएगा, ना कमाए तो भूखा मरेगा, क्या फ़ायदा ऐसी सरकार से, कोई लाभ है मुझे? ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में खड़ने वाले लेबर, जिन्होंने बताया कि अभी तक उनसे जो भी कमाया जाता है वो सब खाने बचाने और किराया देने में निकल जाता है, जेब में उनके कुछ नहीं बचता। वहीं राजनेताओं की तरफ से वादे पर वादे किया जाता है, लेकिन ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं होता। ईटीवी भारत, नगमा सिंह।